व्हाट्सअप गाइस, दिस इज नुमान कुरैशी, वेलकम अगेन। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी फ्यूचर में नई नई वीडियोस अपलोड करूँगा आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन मिल जाएगा। गाइस, आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो करीब करीब जिम में आने वाले 70% लोगों की प्रॉब्लम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिगर चेस्ट डेवलप कर सकते हैं। गाइस, उससे बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हम चेस्ट को कैसे डेवलप करें। सो गाइस, आप अगर अपने मंथली बेसिस पे जिम में नोटिस करें तो करीब करीब आपको वही चेहरे नज़र आते हैं जो बार बार एक्सरसाइज करते हैं। मंथ के स्टार्ट में भी वही होते हैं, एंड में भी वही होते हैं, मगर उनमें से कितने परसेंट लोग हैं जिनकी चेस्ट डेवलप होती है? मेरे अंदाजे में करीब करीब 5% लोग हैं जो एक अच्छी शेप और एस्थेटिक शेप और फिजिक रखते हैं। गाइस, आज मैं इसकी रीज़न बताऊंगा कि ये रेशियो इतनी कम क्यों है। गाइस, बहुत से लोग कोशिश करते हैं, वर्कआउट भी प्रॉपर करते हैं, न्यूट्रिशन भी लेते हैं, बट वो चेस्ट को डिवेल्प नहीं कर पाते। रीज़न, उनके एंगल प्रॉपर नहीं है, उनकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है और वो एक ही तरह से एक्सरसाइज कंटिन्यूस करते रहते हैं जिसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। आज मैं आपको बेस्ट 3 एक्सरसाइज बताऊंगा विद बेस्ट 3 टिप्स के साथ, जिन टिप्स को आप फॉलो करते हुए एक अच्छी चेस्ट डिवेल्प कर सकेंगे, एक अच्छा चेस्ट मसल डिवेल्प कर सकेंगे। गाइस, इसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी समझा दूँ। गाइस, चेस्ट में कोई अपर मिडल लोअर चेस्ट नाम का कोई मसल नहीं होता। पेक्टोरल मेजर और साइड से आने वाला पेक्टोरल माइनर, पेक्टोरल मेजर जितनी भी कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं, बेंच प्रेस, डिक्लाइन, इनक्लाइन, रॉड से हो या बारबल से हो या फिर आपके डंबल से डंबल प्रेसेज हो, इनसे ये एक्सरसाइज ट्रेन होती हैं। अब मोस्ट ऑफ द पीपल जो चीज़ इग्नोर करते हैं वो है फ्लाई मूवमेंट। गाइस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस मूवमेंट के थ्रू किस तरह से अपना चेस्ट डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1 बेस्ट एक्सरसाइज जो कि आपकी बेंच प्रेस बारबेल के साथ है। देन मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज का बताऊंगा, आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगा जिनसे आप अपना चेस्ट डेवलप कर लेंगे 6 से 8 हफ्तों के बीच। सो गाइस, मिलते हैं हमारी एक्सरसाइज पे। गाइस, अब हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की जो है रॉड पे, बारबेल पे बेंच प्रेस। गाइस, इसमें सबसे पहले आपको मैं टिप्स के बारे में बता दूं। गाइस, इसकी 3 टिप्स हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि गाइस, इसमें जो लोग गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं, अपनी शोल्डर प्लेट को इस तरह से इन्वॉल्व कर लेते हैं जिससे चेस्ट प्रॉपर स्ट्रेच नहीं हो पाती। गाइस, इस तरह से और आप चेस्ट अप रखेंगे और अपनी एल्बो के जोर से जब उठाएंगे इस तरह से आप डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरह से मेरी चेस्ट पंप हो रही है, और इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कोई एंगल नहीं बनता। और गाइस, इसके अलावा जो सेकंड मिस्टेक लोग करते हैं वो है उनका एंगल। वो एक वाइड ग्रिप में पकड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि इससे शायद हमारा चेस्ट चौड़ा हो जाएगा, बट गाइस, इस तरह से बिल्कुल नहीं। थर्ड, उनके सेटअप और पोस्चर की गलती है जो कि मैं बताता हूँ। गाइस, इसमें आपने अपना 3 जगह पर प्रेशर देना है, 3 जगहों से अपने जिस्म को पुल करके रखना है। एक आपकी टोज, दूसरा आपकी हिप, आपकी कमर के बीच में गैप होगा, और अपने अपने शोल्डर प्लेट्स को नीचे करके रखना है। जस्ट चेस्ट की मूवमेंट करवानी है और आपका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा खुला ना हो, 90 डिग्री टू 85 डिग्री के अंदर अंदर हो, ये इसका प्रॉपर एंगल है। मैं आपको इसका प्रॉपर पोस्चर और सेटअप के साथ एक सेट लगा के दिखाता हूँ। गाइस, ये देखिए, मेरी चेस्ट अप है और अपर बैक पे लोड दिया हुआ है। ये देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा चेस्ट और कोई मसल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, मैं चेस्ट के जोर से उठा रहा हूँ और मेरा रॉड जो है ना के नेक के ऊपर है, ना लोअर पे है, मेरा मिडल चेस्ट में रॉड है। आप देख सकते हैं मेरी ग्रिप बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, नॉर्मल पोजीशन में है, और आप देख रहे हैं कि मैं चेस्ट को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। स्क्वीज कॉन्ट्रैक्ट। गाइस, ये तो होगी बेंच प्रेस विद बारबेल। अब मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ जो आपकी अपर चेस्ट की किलिंग एक्सरसाइज और आपके अपर चेस्ट को बहुत अच्छे से डेवलप करेगी। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोग जब इंक्लाइन डंबल फ्लाई लगाते हुए जो मिस्टेक्स करते हैं, सबसे पहले वो अपने एंगल को हायर रख लेते हैं। गाइस, इसमें 45 से भी अबव एंगल कर लेते हैं जो कि ठीक नहीं है। आपको इसका एंगल 35 पे रखना होगा। ये आपका 35 पे एंगल सेट हो गया, आपका 35 डिग्री पे एंगल सेट हो गया। देन आपने फ्लाई मूवमेंट लगानी है डंबल के साथ, इंक्लाइन प्रेसेस। सो इंक्लाइन फ्लाई डंबल की मूवमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह से लगाएंगे। गाइस, अब लोग गलती क्या करते हैं, वो इस तरह से कर लेते हैं नीचे लाते वक्त और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, और ऊपर ला के इस तरह से कर लेते हैं।
जो कि प्रॉपर फॉर्म नहीं है आपको इसके लिए, उसी तीन जगहों पे अपना फोकस रखना है, अपनी हिप, अपनी अपर बैक, और इस तरह से अपने डंबल वाइड एंगल में हाथों को खोलना है, ऊपर यहाँ तक लाना है, वाइड एंगल में खोलना है, नीचे लेके जाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, वाइड एंगल में खोलना है, नीचे लेके जाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और स्क्वीज करना है ऊपर ला के, कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्ट स्क्वीज, गाइस ये तो हो गई अपर चेस्ट। अब मैं आपको जो थर्ड एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो आपकी साइड से लोअर मिडल तक, ये पूरी जगह की एक्सरसाइज है जो इसको प्रॉपर से डिवेलप करेगी। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। गाइस ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज लोअर चेस्ट के लिए, चेस्ट डिप्सिस। इसमें गाइस आपको दो रूल्स बता देता हूँ, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका साइड से निचला चेस्ट और लोअर चेस्ट का फैट भी खत्म होगा। इसमें सबसे पहला रूल आपने जो याद रखना है, आपने नीचे पूरा नहीं जाना, एक बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में रहना है और पूरा ऊपर आना है, एक बात। और दूसरी बात आपने इसमें ये करनी है कि अपनी चिन अपनी चेस्ट के साथ लगा के रखनी है, जिससे सिर्फ और सिर्फ आपका लोअर चेस्ट ट्रेन होगा। गाइस ये एक्सरसाइज हम इस तरह से लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं, पूरा अप, आपकी चिन आपकी चेस्ट के साथ और नीचे, आप देख सकते हैं कि मैं पूरा ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, नीचे स्क्वीज कर रहा हूं। मेरी एल्बोज इस तरह से खुली हुई नहीं है, मेरी एल्बोज मेरी लैट्स के साथ है। गाइस ये थी मेरी थर्ड टिप चेस्ट को डेवलप करने के लिए। गाइस मैंने आपको तीन एक्सरसाइज और बेस्ट थ्री टिप्स बताई, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बहुत सब्सक्राइब कीजिए ना, लाल बटन है इसको प्रेस कीजिए, इसको प्रेस करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा जो कि आपको बहुत फ़ायदा देंगी। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अगेन।